चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 11। अभी तक हम लोग 10 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं। उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई बटन, उस पर क्लिक करिए, वहां से आपको हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी। ओके, देखिए आज हम लोग बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मौद्रिक नीतियां हैं इनके कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को सुनिश्चित करती है। देखिए अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग देखे थे जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन, इन्हें कौन जारी करता है, कितनी बार जारी की जाती है, इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं, और अर्थव्यवस्था में आरबीआई कैसे तरलता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा हमने जो 10 पार्ट था जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था एनडीटीएल के बारे में। अब देखिए एनडीटीएल है, यहाँ पर आपको यूज होगा एनडीटीएल, जब भी हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे यहाँ पर हर जगह आपको एनडीटीएल देखने को मिलेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनडीटीएल को बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीतियां। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीआई है वो अर्थव्यवस्था में क्या करती है, तरलता को कम ज्यादा करती है। ओके, तरलता को कम ज्यादा करती है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से। अब आरबीआई है वो कैसे तरलता को कम ज्यादा करती है, क्या उसके पास किनू जैसे चिराग है, वो चिराग को निकालती होगी और बोलती होगी तरलता को कम ज्यादा कर दो, ऐसा नहीं है ना। उसके पास कुछ टूल्स होते होंगे, ओके, जो कुछ टूल्स होते होंगे जिनके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में तरलता को कम ज्यादा करती है, यानी कि लिक्विडिटी को कम ज्यादा करती है। आज हम इन्हीं टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम इन टूल्स का डिवाइडेशन करें तो हम इन्हें दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। नंबर एक ट्रेडिशनल, देखिए यहाँ पर जो मौद्रिक नीतियां हैं, इन जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब है उपकरण, इसका मतलब है उपकरण, और उपकरण को ही हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं टूल्स। ओके, इन टूल्स का ही आज हम डिवाइडेशन करने जा रहे हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, नंबर एक ट्रेडिशनल और नंबर दो नॉन ट्रेडिशनल। देखिए ट्रेडिशनल को बोलते हैं पारंपरिक, क्या बोलते हैं, पारंपरिक उपकरण। देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूँ जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। आप किसी भी माध्यम में तैयारी करते हैं फिर भी आपको दोनों जानने चाहिए। ओके, गैर पारंपरिक उपकरण। ओके, अब देखिए जो पारंपरिक उपकरण है इन्हें भी हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव है, इसको हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक, क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। देखिए मेरे साथ आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए, मैं बोलता हूँ फिर आप भी बोलिए, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और इसको बोलते हैं गुणात्मक। ओके, अब देखिए जो मात्रात्मक है इनमें कौन कौन से, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओएमओ हो गया, बैंक रेट रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, इन सारे को हम रखते हैं, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बैंकिंग सेक्टर है उसका। और देखिए इकोनॉमिक्स का ये बहुत बड़ा सेक्शन भी कवर करते हैं, तो इन्हें हम वन बाई वन देखेंगे इन सारे टॉपिक को। ओके, लेकिन आपके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमारे पास ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे तो आरबीआई के लिए नॉन ट्रेडिशनल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि इधर मानिए पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ इंडिया है। अब देखिए पाकिस्तान बहुत नालायक है, ये मानता नहीं है, तो क्या करेगी, इंडिया इस पे कंट्रोल करने के लिए सीमा पर हमेशा गोलाबारी करता रहता है, तो पहले नॉर्मली रूप से गन से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करेगी सबसे पहले, जैसे कि गन हो गए, हैंड ग्रेनेड हो गए, जो हाथ से फेंकने वाले जो बम होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, इनका यूज करेगी। फिर भी पाकिस्तान बहुत नालायक है, ये मानने वाला नहीं है, तो क्या करेगी इंडिया, थोड़े बड़े उपकरणों का यूज करेगी, हथियार की यूज करेगी, जैसे कि टैंकर। ओके, अगर फिर भी ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा नालायक है, ये फिर भी नहीं मानेगा, फिर इंडिया क्या करेगी, और बड़े हथियारों का उपयोग करेगी, जैसे कि मिसाइल। ओके, तो आप यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि पाकिस्तान की जगह पर आप यहाँ पर रख लीजिए अर्थव्यवस्था, ओके, और इंडिया है इसको मानिए आरबीआई। ओके, अब देखिए जिस तरह इंडिया पाकिस्तान पर कंट्रोल करना चाहती थी, किनके माध्यम से, इन हथियारों के माध्यम से, चाह रही थी कि पाकिस्तान मान जाए, ओके, और ये सुधर जाए, इसी तरह आरबीआई अपने उपकरणों के माध्यम से, इसके जो टूल्स हैं, जो यहाँ पर आपने ये टूल्स देखे, इन्हीं टूल्स के माध्यम से वो अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना चाहती है कि कंट्रोल में रहो भाई, आप आगे पीछे मत जाओ ज्यादा, वरना हमारे देश की जो हालत है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, इन टूल्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। इसी तरह हमने देखा तो पहले आरबीआई है वो छोटे उपकरणों का उपयोग करती है कि नॉर्मली मान जाएगी, जब मात्रात्मक उपकरण है ये काम नहीं करते हैं अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, फिर
तो फिर वो किसका यूज करती है, गुणात्मक उपकरणों का यूज करती है इसका। अब जब ये भी काम नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था को ये संतुलित नहीं कर पाते हैं, फिर आरबीआई बाद में किसका उपयोग करती है, इनका उपयोग करती है। ओके, जैसे कि इन्हें मानिए मिसाइल, जो लास्ट में ऑप्शन बचता है, और आप लोग जानते हैं बहुत तरह की मिसाइल होती है, जैसे कि अग्नि हो गई, ब्रह्मोस हो गई, तो ये सारी एक तरह से मिसाइल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारे पास जब ट्रेडिशनल उपकरण थे तो हमें नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमें जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, जब भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम किसका उपयोग करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मात्रात्मक उपकरण, और इसमें सबसे पहला नंबर दिया रखा है सीआरआर। तो इसी को देखते हैं कि सीआरआर क्या होता है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआरआर। इसको इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। देखिए, कैश का मतलब हो गया नगद, रिजर्व का मतलब हो गया आरक्षी, रेशियो का मतलब हो गया अनुपात। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सीआरआर क्या है, सीआरआर क्या है, तो आप बोलेंगे सीआरआर क्या है, एक हिस्सा है। ओके, एक अमाउंट है, एक मात्रा है। तो आप बोलेंगे एक कौन सा अमाउंट है, किसका अमाउंट है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पड़ोसी का अमाउंट है, उसका हिस्सा है, नहीं ना, एक इसका है, बैंक की कुल जमा राशि। देखिए, एक की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए, बैंक की कुल जमा राशि होती है उसका एक हिस्सा है। इस हिस्से को, जो बैंक होती है, बैंक को किसको देना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ता है। बैंक ये हिस्सा किसको देगी, आरबीआई को देगी, और आरबीआई इसे नगद रूप में लेगा, मतलब सिर्फ कैश में लेगा। वो कहेगा हमें तो कैश ही चाहिए, आरबीआई कहेगा हमको कैश ही चाहिए, हम सोना नहीं लेंगे, इसके बदले हम लोग प्रतिभूतियां नहीं लेंगे, हमें सिर्फ कैश दो, नोट दो। ओके, और आरबीआई इसका यूज नहीं करेगा। ओके, जब इसका यूज नहीं करेगा आरबीआई, तो इस पर इंटरेस्ट भी नहीं देगा। आरबीआई के पागल है, जब इसका यूज ही नहीं कर रहा है, वो अपने पास ला करके रख लिया, तो इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी नहीं देगा। ओके, अब मैं आपकी एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको सीआरआर कभी भी भूलने वाले नहीं। आपको कोई अगर सोते हुए सो रहे हो, आपको कोई उठाया और आप तब भी बता देंगे सीआरआर के बारे में। इधर देखिए, पप्पू है, ये पप्पू है। अब पप्पू के पास बहुत पैसा है। ओके, ये पप्पू के पास बहुत पैसा है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लीजिए, जैसे आप, मैं 100 रुपए का एग्जाम्पल देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखिए, जो 100 खड़ोरे हैं, मान लीजिए 100 खड़ोरे हैं, इसको 100 रुपए मान लीजिए, मैं 100 रुपए रख लिखता हूँ, इससे क्या हो, आपको समझने में आसानी हो। चीजें सिंपल करने के लिए मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, कोई बैंक है, वो सिर्फ 100 रुपए नहीं रखती है, बल्कि बहुत अरबों खरबों में उसके पास रुपए होते हैं। ओके, तो मैं मानता हूँ ये पप्पू है, पप्पू के पास 100 रुपए हैं, पप्पू के पास 100 रुपए, ध्यान से सुनिए, इसी से आपका सीआरआर, एसएलआर सब कुछ कवर हो जाएगा। ये पप्पू है, इसके पास 100 रुपए हैं। अब ये बैंक के पास गया, बैंक के पास गया जमा करने के लिए इन 100 रुपए को। अब भाई ये जमा करने क्यों गया, क्योंकि इसने सोचा मैं मटकी में रख करके दबाऊंगा, पता चला मोदी जी उठ के बोल दिए कि आज रात 8 बजे से जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहे, तो बेचारे का ये पैसा बेकार चला जाएगा, इसीलिए इसको मजबूरी में बैंक में रखना जाना पड़ रहा है, इसीलिए इसका मुंह ऐसा हो गया, बेचारा उतर गया थोड़ा। ओके, अब देखिए, ये बैंक है, लेकिन बैंक के माई भाई, माई बाप कौन है, आरबीआई, आरबीआई है। आरबीआई कहेगी तुम 100 रुपए नहीं रख सकते, ये 100 के 100 रुपए हैं, सब नहीं रख सकते, थोड़ा हमको भी दो। ओके, किस रूप में, सीआरआर के रूप में। तो इस 100 रुपए है, ये क्या है, बैंक की जमा राशि है, तो जमा राशि में से एक हिस्सा आरबीआई को देना पड़ेगा, किस रूप में, सीआरआर के रूप में। ओके, अब हम लोग मानते हैं सीआरआर है वो 3% है, सीआरआर है वो 3% है, तो इस 100 रुपए का, जो 100 रुपए जमा राशि है, इसका 3% कितना हुआ, 3 रुपए हुआ ना, ये सीआरआर है। ओके, तो कितना हुआ, 3 रुपए। अब 3 रुपए किसको देना पड़ेगा, आरबीआई को। अब आरबीआई इस 3 रुपए का क्या करेगी, वो इस संदूक में ला करके, यानी कि एक तरह से वो लॉकर में ला करके इन 3 रुपए को रख देगी। वो इसका क्या नहीं करेगी, नंबर एक इसे कैश में लेगी, और क्या नहीं करेगी, इसका यूज नहीं करेगी। अब जब यूज नहीं करेगी तो इस पर वो इंटरेस्ट भी नहीं देगी। ओके, इस पर ब्याज भी नहीं देने वाली। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब आरबीआई को लगा, आरबीआई को लगा कि अर्थव्यवस्था में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, लोग ज्यादा अमीर हो गए हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या करेगी,
इस तरलता को कम करने का प्रयास करेगी। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तरलता को कम करने का प्रयास करेगी। अब वो कैसे करेगी, इस सीआरआर वाले हिस्से को बढ़ा देगी, मतलब 3% से थोड़ा बढ़ा देगी। कितना कर देगी, वो कहेगी बैंक से, अब आपको 3% की जगह पर हमें 10% देना है। कितना देना है, 10%। अब देखिए, पहली वाली कंडीशन में तो मैंने आपको बताई नहीं, 3 रुपए इधर चले गए थे तो बैंक के पास कितने बचे थे, 97 रुपीज बचे थे ना इस वाली कंडीशन में। अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, उसने सीआरआर को बढ़ा दिया, 10% हो गया। अब इस 100 रुपए का 10% आरबीआई को देना पड़ेगा, किस रूप में, सीआरआर के रूप में। तो अब कितना रुपए देना पड़ेगा इस कंडीशन में, 10 रुपए देना पड़ेगा। अब इसकी तिजोरी में कितने आ जाएंगे, 10 रुपए आ जाएंगे। बैंक के पास अब कितने बचेंगे, ध्यान सुनिए, 90 रुपए बचेंगे। अब बैंक के पास कम रुपए हैं तो वो इस रुपए का क्या करती है, वो ऋण देती है लोगों के लिए। अब जब ऋण देगी तो थोड़ा सा महंगा देगी, क्योंकि अब उसके पास पैसा कम है, और पैसा कम है तो क्या कम ब्याज जाएगा मार्केट में, पैसा कम जाएगा मार्केट में ना। जब पैसा कम जाएगा तो मांग भी कम होगी, तो क्या होगा, थोड़े से मूल्य होंगे वो कम आने के प्रयास करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य थोड़े से कम आएंगे। अब देखिए, उसको लगा कि तरलता और ज्यादा है तो वो क्या करेगी, वो फिर से सीआरआर के हिस्से को और ज्यादा बढ़ा देगी। मानते हैं यहाँ पर वो 30% कर दी, 30% कर दी। अब क्या होगा, सीआरआर के रूप में कितना रुपए जाएगा, 30 रुपए, क्योंकि इस 100 रुपए का 30% कितना हुआ, 30 रुपए। अब आरबीआई के पास संदूक में कितने रुपए हैं उसके, उसकी जो लॉकर है उसमें 30 रुपए हैं, और बैंक के पास कितने बचे, बैंक के पास सिर्फ बचे हैं 70 रुपए। ओके, इस 100 रुपए में 70 रुपए बचे। आप देखिए, जो हम लोग जमा राशि जो भी हम जमा करते हैं बैंक अकाउंट में जाकर के, उस पर कुछ बैंक हमको रिटर्न भी देती है ना, जैसे 4%, 5%, 6% वार्षिक ब्याज दर कुछ देती है ना। अब बैंक है, बैंक किस पर हमको रिटर्न दे रही है, मतलब ब्याज किस पर दे रही है, पूरे 100 रुपए पे 4% दे रही है। लेकिन बैंक यहाँ पर देखिए, बैंक के पास कितने हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख दिया। ओके, बैंक के पास कितने हैं, 70 रुपए ही तो बचे, उसे 30 रुपए पर कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई कोई ब्याज नहीं दे रही है, क्योंकि वो इसका यूज भी नहीं कर रही है। अब क्या हुआ, बैंक को यहाँ पर 100 रुपए पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमको, तो बैंक को क्या हुआ, इस 30 रुपए पर घाटा हो रहा है ना, 30 रुपए पर घाटा हो रहा है ना। तो आपको क्या चीज समझ में आई, जैसे जैसे सीआरआर का रेट बढ़ेगा बैंक को घाटा होगा ज्यादा। अब इस घाटे की भरपाई के लिए वो क्या करेगी, जब उसके पास जितना कम पैसा बचेगा इस पर जब वो ऋण देगी, लोन देगी, तो अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब अपना लाभ है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसकी ब्याज दर होगी वो बढ़ा देगी। ब्याज दर जब बढ़ा देगी तो लोग क्या होंगे, कम ब्याज लेंगे, भैया महंगा है, अब हम दिखते हैं बैंक के पास। ओके, बैंक ने कहा हम 30% के ब्याज से आपको, 30% के दर से आपको हम ऋण देंगे, तो हम क्या पागल हैं, हम इतना महंगा लेंगे, हम कहेंगे चलो घर ही पर बैठते हैं, अभी बाद में शॉपिंग करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऋण कम लेंगे। जब ऋण कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा ना, जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाकर के मांग नहीं करेंगे, और मांग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य थोड़ा सा कम आएगा, इससे क्या होगी, तरलता थोड़ी कम होगी अर्थव्यवस्था में। ओके, अब इसी का अपोजिट मान लीजिए, अगर आरबीआई को लगा, अगर आरबीआई को लगा कि तरलता अर्थव्यवस्था में बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा बहुत कम है ना तरलता, मतलब पैसा बहुत कम है अर्थव्यवस्था में ना, तो थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेगी। बढ़ाने के लिए क्या करेगी, यहाँ पर जो सीआरआर का रेट ज्यादा होगा उसे कम कर देगी, मान लो 30% से घटा करके वो 1% कर देगी। तो बैंक के पास यहाँ पर क्या हुआ, 99 रुपये बचेगा ना, 100 रुपये में से 99 रुपये बचेगा, तो वो क्या करेगी, ब्याज ज्यादा देगी एक तो, दूसरा कम दर पर देगी, कम दर पर होगा वो कहेगी सिर्फ 4% पे ले जाओ हमसे, 5% पे ले जाओ, तो हम ज्यादा जा करके लेंगे ना, हम कहेंगे सस्ता लोन मिल रहा है, हम जा करके ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, फिर से मार्केट में जा करके मांग बढ़ जाएगी। यानी कि मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि तरलता बढ़ गई है, हमारे पास पैसा आ गया है, हम जा करके आराम से पैसा ले रहे हैं, तो क्या हुआ, इससे थोड़ी सी तरलता बढ़ जाएगी। तो इसके माध्यम से वो क्या करती है, सीआरआर के माध्यम से तरलता को सुनिश्चित कर रही है ना, किस तरह से कर रही है आपको वो भी समझ में आ गया, उस सीआरआर के हिस्से को कम ज्यादा करती है और उस तरह से करती है। ओके, अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जो बैंक के पास कुल जमा राशि होती है, बैंक के पास कुल जमा राशि होती है उसका एक हिस्सा बैंक किसको दे देती है, आरबीआई को दे देती है रखने के लिए, और बैंक इसको आरबीआई किस में रखती है, एक लॉकर में रखती है, इसका यूज नहीं करती, मतलब उसे नगद रूप में रखती है, और इस पैसे का आरबीआई यूज नहीं करती है, जब वो यूज नहीं करेगी तो इस पर इंटरेस्ट भी नहीं देगी। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, वो कुल जमा राशि की जगह पर यहां पर एनडीटीएल लिख देता है,
एनडी टीएल लिख देते हैं। अब हमको पता है, मैंने आपको बताया था बैंक की कुल जमा राशि होती है उसी को तो हम एनडी टीएल बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना है तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर आप वन लाइनर वाले लगाते हैं, जैसे कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे आरआरबी के एग्जाम देते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका आप आराम से ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब यूपीएससी और पीसीएस का देते हैं ना, तो उसमें एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना पड़ता है तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो उसमें इस तरह से पूछ सकते हैं कि एनडीटीएल का एक हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है उसी को सीआरआर बोलते हैं। तो आप लोग सोचेंगे मैंने तो बताया था कुल जमा राशि का देता है, ये एनडीटीएल इसमें दे दिया, गलत होगा। लेकिन गलत नहीं है, सही है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुल जो कुल जमा राशि होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से आप कब रिलेट कर पाएंगे, जब आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया ना, तो रिवीजन करते रहिए। ओके, अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर जो ये गणना है वो कितने बार की जाती है। मतलब आपने इस पप्पू की तरह एक ही व्यक्ति थोड़ी ना होगा कि बैंक में जाकर के 100 रुपए रखता होगा, हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो बैंक में जाकर के पैसे रखते हैं। तो इसकी गणना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, क्योंकि हर सेकेंड लाखों हजारों की संख्या में लोग अपने पैसा निकालते हैं डालते हैं। तो इसको सरल बनाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, कह दिया चलो कोई बात नहीं, हम इसकी गणना डेली नहीं करेंगे, हर मिनट नहीं करेंगे, बल्कि 14 दिन में सिर्फ एक बार करेंगे। मतलब 14 दिन में सिर्फ एक बार इसकी गणना करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीआरआर की गणना 14 दिन में एक बार की जाती है, तो यार 14 दिन में एक बार की जाती है। अगर वो 15 दे देता है, 1 महीना दे देता है, तो आपको वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 14 दिन में एक बार की जाती है, लेकिन कैसे, 14 दिन का जो 14वें दिन जो पैसा आएगा उस पर की जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। जो 14 दिन का औसत होगा, जो 14 दिन का जो 14 डेज का औसत होगा, मतलब कुल जमा राशि होगी औसत होगा, इसी पर क्या रखना होगा, सीआरआर रखना होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 14 दिन में बैंक के पास 14 दिन में कुल रुपए कितना आया है, 1,000 रुपए आया है, कुल रुपए 1,000 रुपए आया। तो इस 1,000 पर जितना सीआरआर बनेगा उस अमाउंट को आरबीआई को देना पड़ेगा बैंक को। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से रखा जाता है, केवल 14 दिन में एक बार इसकी गणना की जाती है और 14 दिन का कुल जो औसत जमा होता है उसी पर आता है। ओके, तो आप लोग दो चीजें समझ गए। लेकिन यहाँ पर आपको जो हिस्सा है कितना है, अभी लगभग में 3% है, 4% है, ये चेंज होता रहता है, ये अभी और चेंज होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था एकदम हमारी है वो बहुत ही खराब चल रही है। अब उसमें हल्के हल्के ग्रोथ आ रहा है, स्थितियां थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, अभी इसका परसेंटेज है वो 3% के पास में है। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इस हिस्से को आरबीआई है वो कितना भी कर सकती है, क्या वो 0% भी कर सकती है, 30% भी कर सकती है, क्या इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इस पर पहले तो लिमिटेशन थी लेकिन अब नहीं है। ओके, अब वो भी आपको समझ में आएगा कि पहले लिमिटेशन थी वो हमने हटा क्यों दी। ओके, देखिए इस पर पहले परिसीमन लगता था, मतलब ये हिस्सा है जो परसेंटेज है, ओके ये परसेंटेज है, इसको पहले सीमित किया गया था। कैसे, 2006 से पहले की हम बात करते हैं, मतलब 2006 से पहले क्या होता था, आरबीआई सीआरआर को ना कभी 3% से कम कर सकती थी, ना 15% से कभी ज्यादा कर सकती थी। ओके, यानी कि वो क्या कर सकती थी, आरबीआई थी वो सीआरआर को 3% से 15% के बीच में ही रख सकती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी कि वो चाहे तो 1% कर दे, चाहे तो 16% कर दे, या फिर 20% कर दे, 40% कर दे, ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ, इससे आरबीआई की जो शक्तियां थी, पावर थी, जो पावर थी वो कम हो गई ना। पावर कम क्यों हो गई, उससे लग रहा है कि तरलता बहुत कम है, अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत कम है, तो वो 3% से कम ही नहीं कर पा रही थी, और उसे लगता था कि अगर तरलता बहुत ज्यादा है तो वो 15% से ज्यादा सीआरआर को नहीं कर सकती थी। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई की जो पावर है वो कहीं ना कहीं सीमित हुई ना, लिमिटेड हुई ना। तो इसी को दूर करने के लिए कि वो आराम से थोड़ा स्वतंत्र हो जाए, अपने अनुसार वो निर्णय ले सके कि अर्थव्यवस्था किस अनुसार है, उसी अनुसार वो सीआरआर के हिस्से को कम ज्यादा कर सके, इसी को देखते हुए क्या किया, आरबीआई संशोधन अधिनियम लाया गया। आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 लाया गया। और इसके तहत क्या किया गया, इस परिसीमन को हटा दिया गया। मतलब क्या हुआ, परिसीमन हट गया,
अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आरबीआई चाहे तो 0% सीआरआर को कर दे, चाहे तो 1% कर दे, चाहे तो 2% कर दे, चाहे तो 16% कर दे, चाहे तो जितना चाहे उतना कर दे, ठीक। लेकिन वो कैसे करेगी, अपने मन से नहीं कर सकती, इसको कुछ तथ्य हैं उनके अनुसार करना होता है कि अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं अपने मन से उसने कह दिया कि 100% सीआरआर जितना पैसा है हमारे पास ले आओ भाई, तो ऐसा नहीं होगा ना। वो किस अनुसार करेगी, अर्थव्यवस्था में तरलता को देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों का एनालिसिस करते हुए सीआरआर के हिस्से को सुनिश्चित करेगी, ओके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है, इसको फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिए, अगर हम पहली कंडीशन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम जाती है। अगर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर वाले हिस्से को बढ़ा देगी, सीआरआर वाले हिस्से को बढ़ा देगी। फिर इससे क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी ना, यानी कि जब सीआरआर को बढ़ाएगी इसका मतलब क्या है, आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जाएगा ना, आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जाएगा और बैंक के पास पैसा कम बचेगा, जब बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो उसके पास तरलता कम हो जाएगी ना, जब तरलता कम हो जाएगी तो वो ऋण, जब उसके पास पैसा कम होगा मैंने आपको बताया भी था, तो वो ऋण देगी तो उसकी जो ब्याज की दर होगी इंटरेस्ट रेट होगा वो थोड़ा हाई कर देगा, जब हाई कर देगा तो हमें एकदम हम भांग तो खाए नहीं है कि हम जा करके ऋण लेंगे, 40% पे हमें कोई लोन दे तो हम ले लेंगे, क्या नहीं लेंगे ना। तो इससे क्या होगा, हम लोग पैसे नहीं लेंगे यानी कि लोन नहीं लेंगे, जब लोन नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम घर बैठेंगे, मार्केट में मांग क्यों करेंगे जा करके। इससे क्या हुआ, मार्केट में मांग कम हुई ना, जब मार्केट में मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी कम होगी, ओके। मुद्रास्फीति कम होगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन में रहेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि मुद्रा संकुचन की अवस्था आ गई, मतलब अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत कम होगी, तरलता कम होने का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो आरबीआई को फिर से आएगा फोन कि आरबीआई के गवर्नर को, भाई अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत कम हो गया थोड़ा बढ़ाओ, तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर वाले हिस्से को थोड़ा कम कर देगी, मतलब अपने अनुसार कम कर देगी। कम करेगी तो क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी ना, जब वो सीआरआर वाले हिस्से कम करेगी तो आरबीआई के पास क्या होगा, जो पैसा होगा सीआरआर के रूप में जो आता है वो कम आएगा, कम आएगा तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। अब ये बैंक के पास पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, अब बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा लोन देगी और कम ब्याज दर पर देगी, कम ब्याज दर पर देगी। जब हमको पता चलेगा कि यार 2-3-4% पर ब्याज दर है, मतलब सस्ता लोन मिल रहा है, तो हम ज्यादा जा करके लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो हम इसको जेब में तो रखेंगे नहीं, लोन लेकर के कोई पैसा जेब में रखेगा क्या, इसको जाकर के खर्च करेगा तभी तो वो लोन ले रहा है। तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, जब मांग बढ़ जाएगी तो फिर से थोड़ी सी मुद्रास्फीति ऊपर आएगी, तो इससे क्या होगा, फिर से जो अर्थव्यवस्था होगी वो संतुलन में आने का प्रयास करेगी। तो क्या आपको समझ में आया, सीआर सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है आरबीआई के पास, जो तरलता को कम ज्यादा कर सकता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है सीआरआर। तो आपको समझ में आ गया, और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि सीआरआर क्या है, तो आपको बोलना है सीआरआर एक जो बैंक के पास कुल जमा राशि होती है, बैंक के पास कुल जमा राशि होती है उसका एक हिस्सा है जो बैंक आरबीआई के पास रखती है, किस रूप में, नगद रूप में रखती है, और आरबीआई इसका यूज नहीं कर सकती, जब उसका यूज नहीं करेगी तो इस पर इंटरेस्ट क्यों देगी, वो क्या पागल है, इंटरेस्ट भी नहीं देगी, ओके। तो आपने सीआरआर को समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं एसएलआर, ओके। इसको हिंदी बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएलआर और सीआरआर थोड़े सिमिलर हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर भी है, ओके। मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी देखो पप्पू था, अब देखिए इस स्टोरी को अगर आप अच्छे से समझिए तो आप सीआरआर और एसएलआर में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आप समझ पाएंगे, ओके। ये पप्पू है, अभी पप्पू है, इसके पास 100 रुपए थे, इसके पास 100 रुपए थे, अभी मटकी में बेचारा नहीं रख सकता था, तो ये कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, अब देखिए ये बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करेगी, इसको इसके जो पैसे हैं वो जमा कर लेगी, 100 रुपए जमा कर लेगी, और इधर क्या है, इधर आरबीआई है, आरबीआई ने पहले ही बैंक से सीआरआर के रूप में भी रुपए लिया था, आपको ध्यान है, अभी हम लोग बात किए सीआरआर के रूप में भी रुपए लिया था, लेकिन आरबीआई है वो कहेगी नहीं भाई आपको और भी रुपए देना पड़ेगा, वो कहेगी इस 100 रुपए में से जो कुल जमा राशि है इसमें से एक हिस्सा देना पड़ेगा, एक हिस्सा देना पड़ेगा, किस रूप में, एस एल आर के रूप में, एस
LR के रूप में आपको एक हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, तो बैंक क्या करेगी, चलिए भैया अभी SLR का हिस्सा कितना भी हो सकता है, अभी ये वर्तमान में कितना है 18.50। ओके, इतना है 18.50, इतना है अभी इसका जो रेशियो है वो अभी इतना चल रहा है, एक कम ज्यादा होता रहता है, इसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो क्या हुआ, पहले तो CRR के रूप में यहाँ पर इसको दे दिया था, लेकिन ये इस बार कहेगी चलो हमारे पास तुमने पैसा पहले दे दिया CRR के रूप में, इस बार जो SLR वाला हिस्सा है ये तुम अपने पास ही अलग से रख लो, मतलब ये बैंक है ये अपने पास ही रखेगी SLR को। आपको समझ में आ गया, CRR वाला जो हिस्सा था वो बैंक थी वो RBI के पास रख रही थी नगद रूप में, लेकिन जो SLR वाला हिस्सा है जो 18.50% है ये क्या होगा, ये SLR के रूप में बैंक अपने पास ही रखेगी, इसको RBI को नहीं देगी, लेकिन ये रखना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, अगर इसको नहीं रखेगी तो बैंक के ऊपर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ओके, लेकिन RBI सोचेगी बेचारे कितना पैसा ये रखेगी हमको देगी, तो इससे तो इसको बहुत घाटा हो जाएगा, तो वो कहेगी चलो कोई बात नहीं आप इसे कैश के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप इसे कैश के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इसे आप सोने के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इसे अन्य रूपों में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ओके, अब क्या हुआ, अब देखिए इस 100 रुपया था, इसमें से 18.50 रुपए कितना हुआ, इस SLR के रूप में कितना रुपए उसे अपने पास रखना पड़ेगा 18.50 पैसा, मतलब रुपये, मतलब 18.5 रुपए उसे SLR के रूप में अपने पास रखने पड़ेंगे। अब इससे क्या हुआ, इसको वो ऋण के रूप में नहीं दे पा रहे, इसको वो ऋण के रूप में नहीं दे पा रही, अब उसके पास कितना बचा, अब उसके पास अगर हम SLR को अभी भूल जाओ, अभी आप SLR को सॉरी CRR को अभी आप भूल जाओ, ओके, तो कितना हुआ, इसमें से जितना शेष रुपए बचेगा ना, जितना भी शेष रुपए बचेगा इसी का वो यूज कर पाएगी ऋण देने के लिए। अब ऋण देने के लिए वो कम यूज कर पाएगी तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, जब कम पैसा आएगा तो वो मांग भी कम कर पाएंगे, जिस तरह वो देखती थी जो तरलता थी, जो तरलता थी वो कम ज्यादा होती थी ना, और वो CRR को कम ज्यादा करती थी, इसी तरह वो SLR को भी कम ज्यादा करती है, जिससे क्या होता है लोगों के पास जो ऋण है वो कम ज्यादा हो जाता है, मतलब कम ज्यादा कैसे हो जाता है, अगर उसे लगेगा कि तरलता ज्यादा है तो वो क्या करेगी SLR वाले हिस्से को बढ़ा देगी, जिससे लोगों के पास ऋण थोड़ा कम आएगा, अगर उसे लगेगा कि तरलता कम है तो वो क्या करेगी SLR वाले हिस्से को कम कर देगी और लोगों के पास फिर क्या होगा ज्यादा ऋण आए। ओके, तो आप लोग समझ गए ये कैसे वर्क करता है। अब देखिए इसमें कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि SLR क्या है, SLR क्या है, तो आपको बोलना है ये भी क्या है, बैंक के पास जो कुल जमा राशि होती है उसका एक निश्चित अनुपात है, मतलब एक हिस्सा है जो बैंक है वो अपने पास ही रखती है, मतलब अपने पास ही रखती है, इसे RBI को नहीं देना पड़ता, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक अंतर आपको समझ में आ गया ना, कि CRR वाला हिस्सा था वो बैंक RBI को देती थी, लेकिन SLR वाला हिस्सा है वो अपने पास ही रखेगी, लेकिन इसको ऋण जो अपने पास रखेगी लेकिन इसको ऋण नहीं दे सकती, जो ये हिस्सा है जो ये अमाउंट होगा इसको वो ऋण नहीं दे सकती, आम उपभोक्ता या किसी भी उपभोक्ता को ऋण के रूप में नहीं दे सकती, इसे वो हमेशा अपने पास रखेगी। ओके, किस रूप में रख सकती है, इसमें RBI ने थोड़ी सी छूट दे दी कि आप कैश के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप इसे सोने के रूप में रखना चाहते हो, गोल्ड के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप इसे सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और जो बैंक है वो अधिकांश किसके रूप में रखना चाहती है, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ही रखना चाहती है। क्यों, इससे क्या होता है, बैंक बैंक जब इसके द्वारा जब निवेश करती है, मानते हैं उसने 18.5 रुपए थे जो CRR के रूप में थे वो यहाँ पर निवेश कर दिए, तो जब वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी तो इस पर उसको लाभ भी तो होगा, उसको इस पर लाभ भी तो होगा, और ये जो लाभ होता है सरकारी प्रतिभूतियों पर जो लाभ होता है वो सुनिश्चित होता है, मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो बैंक होती है वो एक तरह से बेफिक्र हो जाती है कि हमें इतना तो लाभ हो ही रहा है ना, तो इससे क्या होता है जब वो बैंक जब जो जमा राशि पर लोगों के लिए रिटर्न करती है तो वो क्या होता है यहाँ से दे देंगी आराम से, तो उनको ज्यादा घाटा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ज्यादा घाटा नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर ही एक बहुत बड़ी बात आती है, जो CRR था वो बहुत ही इफेक्टिव टूल था तरलता को कम ज्यादा करने का, तरलता को कम ज्यादा करने का बहुत ही इफेक्टिव टूल था, लेकिन SLR है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कैसे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये इफेक्टिव कैसे नहीं है। मानते हैं
जो अभी मानते हैं इसका अमाउंट कितना है, 18.5% ये भी मान लेते हैं, और अभी इतना ही है प्रेजेंट में, कम ज्यादा होते रहता है, तो 18.5 रुपए बैंक को क्या करना पड़ा, 100 रुपए में से 18.5 रुपए अपने पास रखने पड़े, 18.5 रुपए अपने पास रखने पड़े। ओके, अब इन रुपए का उसने क्या किया, सोना खरीद लिया या सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लिया। उसने जब ये खरीदेगी, जब इसे खरीदेगी तो इसे रुपए तो देना पड़ेगा ना। अब मानते हैं उसने जैसे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदा, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदा तो ये पैसा कहाँ चला गया, सरकार के पास चला गया ना, सरकार के पास चला गया ना। अब ये सरकार है, सरकार भी तो इसको अपने पास नहीं रखेगी ना, इसका यूज करेगी, क्या करेगी, इसका यूज करेगी, लोगों को दे देगी, या फिर वेलफेयर की योजनाएं उनमें लगाएगी, तो वो उसमें भी तो कुछ हो, जैसे श्रम होंगे, मतलब लोग आकर के काम करेंगे, कुछ वो सामान खरीदेगी, तो पैसा एटलीस्ट कहाँ चला गया, मार्केट में ही तो चला गया, पैसा कहाँ चला गया, मार्केट में ही तो चला गया। ओके, तो इससे क्या हुआ, उसने तरलता को कम करना चाहा, आरबीआई ने, जो आरबीआई थी वो तरलता कम करने के लिए उसने एसएलआर को बढ़ाया, कि ये पैसा है, जो पैसा है ये कहाँ ना जाए, ये मार्केट में ना जाए। लेकिन ये पैसा अंततः कहाँ चला गया, मार्केट में तो चला गया। अगर वो सोना खरीदेगी तो किसी दुकानदार से खरीद सकती है, तो वो दुकानदार भी तो मार्केट का ही हिस्सा है ना, तो पैसा चला जाएगा। अगर वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा, सरकार भी तो इसको कहीं ना कहीं निवेश करेगी, वेलफेयर योजना में लगाएगी या कोई परियोजना में लगाएगी, तो वहां पर भी तो लोग होंगे ना, तो ये पैसा कहाँ चला गया, एटलीस्ट मार्केट में चला गया ना। तो यहाँ पर जब मार्केट में पैसा चला गया, रुपये चला गया, तो ये तरलता, जो तरलता को कम ज्यादा करने का इफेक्टिव टूल नहीं रहा। इसीलिए बोलते हैं जो सीआरआर है, जो सी आर आर है बहुत ही इफेक्टिव टूल है, लेकिन एस एल आर है इतना इफेक्टिव टूल नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिर तो वो एस एल आर जारी क्यों करती है, जब इसके द्वारा वो तरलता ही सुनिश्चित नहीं कर पा रही। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, जरूर आएगा, कि फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इससे दो प्रॉफिट होते हैं, एक प्रॉफिट मैं अभी बाद में बताऊंगा कि अगर बैंक भाग जाए तो इतना रुपया तो सेव है ना, जैसे बैंक दिवालिया हो जाए मान लीजिए, तो इतना रुपया तो सेव है लोगों का ना, कि इतना पैसा वो यहां से निकाल लेगी, इतना रुपये सीआरआर के रूप में होगा, तो इतना रुपए क्या होगा, कम से कम होगा ना, तो थोड़ा पैसा बैंक सरकार डालेगी और लोगों का लौटा देगी, तो लोगों का पैसा डूबने का चांसेस कम हो गया ना यहाँ पर। ओके, और दूसरा क्या होता है, वो ऋण, जो ऋण वाला हिस्सा होता है ना, जो ऋण होता है उसकी दिशा बदल देता है, उसकी दिशा बदल देता है, मतलब जो गवर्नमेंट सॉरी जो बैंकें होती हैं वो ज्यादा पैसा कहाँ निवेश करती है, सरकारी प्रतिभूतियों में। तो ये जो ऋण है वाला, जो ये पैसा था ये कहाँ, पहले आम उपभोक्ताओं में जा सकता था ऋण के रूप में, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, ये अधिकांश जाएगा ये गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ गया। तो इससे क्या हुआ, ऋण था वो तो पहुंचा, लेकिन इसकी दिशा बदल गई ना, आम उपभोक्ताओं से इसकी दिशा कहाँ हो गई, गवर्नमेंट के इधर हो गई, इसकी दिशा कहाँ हो गई, गवर्नमेंट के इधर हो गई, यानी कि जो वाला ये वाला हिस्सा है ये मैक्सिमम कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई एसएलआर वाले हिस्से से तरलता तो नहीं कम ज्यादा कर पाती है, लेकिन ऋण की दिशा को बदल देती है क्या, ऋण की दिशा को बदल देती है क्या, तो यस। आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, तो ध्यान रखना है कि एसएलआर अगर जितना ज्यादा होगा तो वो ऋण की दिशा को परिवर्तित करेगा, किसकी ओर, ज्यादातर गवर्नमेंट की ओर, क्योंकि वो ज्यादातर जो ये वाला अमाउंट होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पसंद करते हैं। इसके दो रीजन होते हैं, जब हम लोग शेयर डिवेंचर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में क्यों पैसा रखना चाहती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में और चीजें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी गणना कितने बार की जाती है, जो सीआरआर था उसकी गणना 14 दिन में की जाती थी, इसकी गणना भी 14 दिन में एक बार की जाती है, कितनी बार की जाती है, उसकी भी 14 दिन में एक बार, इसकी भी 14 दिन में एक बार, और इसमें भी 14 दिन में की जाती है, लेकिन 14 दिन की औसत पर, और उसमें भी 14 दिन के औसत पर, तो दोनों ही सेम है, गणना सीआरआर और एसएलआर की एक समान ही की जाती है, 14 दिन में एक बार, और 14 दिन का जो औसत होता है उस पर। ओके, अब देखिए इस पर भी परिसीमन लागू होता था, पहले जैसे उस पर परिसीमन लागू होता था, इस पर भी परिसीमन लागू होता था। देखिए, परिसीमन पहले कितना, 2006 से पहले की अगर हम बात करें तो आरबीआई कभी भी इसे 25% से कम नहीं कर सकती थी, 25% से कम नहीं कर सकती थी, और 40% से कभी भी ज्यादा नहीं कर सकती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि आरबीआई थी इस हिस्से को कभी भी वो चाहे तो 21%, अभी जैसे अभी हम लोग अभी का एग्जांपल लें कि 18% है, 18.5% है,
तो क्या वो कर पाती? नहीं कर पाती ना। अब देखिए 25% से कम कर पा रही है ना, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम है, तो बढ़ाना चाह रही है, तो उसने कम कर दिया अमाउंट। ओके, तो इससे क्या हुआ, जो बैंक है, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, बैंकों की स्थिति भी सुधरेगी। ओके, बैंकों की स्थिति भी सुधरेगी और उनके पास ज्यादा स्वतंत्रताएं आएंगी, तो बैंक जो भी ऑनर होंगे वो ज्यादा से ज्यादा बैंक खोलना चाहेंगे, लोग बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा निवेश करना चाहेंगे। ओके, लेकिन इसमें क्या किया गया, आरबीआई संशोधन अधिनियम लाया गया। आरबीआई संशोधन अधिनियम लेके आया गया 2006। ओके, अब इसमें क्या किया गया, न्यूनतम परिसीमन को हटा दिया गया, यानी कि 25% से कम तो आरबीआई कर सकती है इस हिस्से को, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकती। तो इसके क्या तात्पर्य हुआ, अगर इस अब वर्तमान जो वर्तमान कंडीशन है इसके अनुसार आरबीआई चाहे तो वो 1%, 2%, 10%, 20% कितना भी कर सकती है, लेकिन 40% से ज्यादा नहीं कर सकती है। 40% से ज्यादा नहीं कर सकती। वो चाहे 41% कर सकती है, नहीं कर सकती। वो चाहे 45% कर सकती है, नहीं कर सकती है। ओके, तो वो ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन वो कम कितना भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूनतम परिसीमन था उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 ला करके हटाया गया। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा था ना, जो सीआरआर है और एसएलआर है, अभी हम ये दोनों देख चुके हैं। सीआरआर और एसएलआर है, इसको जानते हैं आरक्षी अनुपात के नाम से। आरक्षी अनुपात के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये के अमाउंट है सीआरआर के रूप में, मानते हैं सीआरआर है, मानते हैं 4% है, लेकिन अभी कितना है? 3%। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एसएलआर मान लेते हैं अभी 18% है, तो ये टोटल रुपए हो गया 22 रुपए। 22 रुपए हो गया ना, ये तो आरक्षी है, मतलब ये तो सेफ है ना, इतना रुपए इसको क्या है, बैंक इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसा कभी भी डूब नहीं सकता ना, ये पैसा डूब नहीं सकता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, आरक्षी अनुपात, क्योंकि ये आरक्षी है इतना अनुपात। और ये अनिवार्य है, ये कितना है, अनिवार्य है, इसको बैंक को रखना ही रखना है, अगर वो नहीं रखेगी तो उस पर पेनल्टी लगेगी। और देखिए जो ये हिस्सा है, ये 22 रुपए है, ये देखिए लोगों को कैसे सेव करता है, उसके जो लोगों के पैसा है उसको भी सुरक्षित बनाता है। कैसे सुरक्षित बनाता है, कि मानते हैं अगर बैंक दिवालिया हो गई, बैंक के पास 100 रुपए था, उसने 100 रुपए को, 100 रुपए को ही अगर वो ऋण के रूप में दे देती पहली कंडीशन देखता है, तो क्या होता, ये 100 रुपए डूब जाता ना, ये 100 रुपए डूब जाता तो लोग, ये रुपए किसका है, हम लोगों का है ना, आम लोगों का रुपए है ना, आम लोगों का रुपए है, तो क्या होता, ये पैसा तो सब डूब गया। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखो, ये 100 रुपए है, इस 100 रुपए में से हम यहां पर लेते हैं कि 22 रुपए अलग रख दिया, 22 रुपए अलग रख दिया, जिसको ऋण के रूप में दिया ही नहीं गया ना, जो शेष रुपए था, जो शेष रुपए था इसी को किस रूप में दिया गया, ऋण के रूप में दिया गया। अब मानते हैं कि बैंक दिवालिया हो गई, तो क्या हुआ, कम से कम ये 22 रुपए तो सेफ है, इससे क्या होगा, ये पैसे लौटाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा बैंक के पास जो भी चीज होगी उसकी नीलामी की जाएगी, उससे कर दिया जाएगा, और थोड़ा पैसा गवर्नमेंट में ला देगी, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट में ला देगी, तो क्या होगा, इसका जो जमा करता थे वो सेफ हो गया ना, उनका पैसा कम से कम सेफ रहा, अब उनके लिए पैसा मिल तो रहा है, तो एक तरह से क्या हुआ, ये बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है। जो सीआरआर है और एसएलआर है, ये बैंकिंग क्षेत्र को या बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है, क्या सीआरआर और एसएलआर, या इसके जगह पर पूछ सकते हैं कि जो रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो है, ये बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है। तो यस, आपको ये ध्यान रखना है, बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाता है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं सीआरआर और एसएलआर को, कि सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है। ओके, देखिए सीआरआर क्या है, मैंने आपको बताया था, बैंक के पास जो कुल जमा राशि होती है उसका एक निश्चित हिस्सा है, और एसएलआर क्या है, एसएलआर भी बैंक के पास जो कुल जमा राशि होती है उसका एक निश्चित हिस्सा है। ओके, लेकिन सीआरआर वाला जो हिस्सा है वो बैंक किसके पास रखती है, आरबीआई के पास रखती है, लेकिन जो एसएलआर वाला हिस्सा है ये किसके पास रखती है, बैंक अपने पास ही रखती है। बैंक किसके पास रखती है, अपने पास ही रखती है, लेकिन इसे किस रूप में रख सकती है, देखिए जो सीआरआर है इसे किस रूप में वो रख सकती है, ओनली कैश, मतलब केवल नोट के रूप में ही रख सकती है, लेकिन जो एसएलआर है वो अदर फॉर्म्स में भी रख सकती है, जैसे कि वो चाहे तो कैश में भी अपने पास रख सकती है, चाहे तो
तो जो ऐसा लावर वाला हिस्सा है वो सोने के रूप में रख सकती है, मतलब गोल्ड, चाहे तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके रूप में रखना चाहती है तो उसके रूप में भी रख सकती है, और ये अनिवार्य है और ये भी अनिवार्य है। तो आप लोग समझ गए इसमें अंतर क्या है, इसमें बैंक अपने पास रखती है ओके, लेकिन जो सीआरआर वाला है ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ये ओनली कैश में रखा जाता है, इसे आप वो किसी रूप में भी रख सकती है, कैश, सोने या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में। तो यही था सीआरआर और एसएलआर आपका, मैं मानता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।